नमस्ते भाई, राम राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल पे व्हाट आई थिंक आई क्रिएट पे। और आज भाई देखने चलते हैं कि किस तरीके से जो ये ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं गेट पे लगती हैं। ये अपने लड़के हैं सोनू और नवीन, इनके साथ देखते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं शीट्स को। ये है, ये अभी शीट लगानी स्टार्ट की है। ये पहला गेट है, इसके बाद एक और दूसरे गेट पे भी लगाएंगे। तो ये जो पहला गेट है इस पर, ये तो लाल टी शर्ट वाला तो सोनू है, ये दूसरे जो शर्ट पहना हुआ है ये नवीन, दोनों लगे हुए हैं। और ये जो पहला गेट है इस पर ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं। इस पर इनकी पहली प्राथमिकता आप देख रहे होगे, हाँ, जैसे ये दबा के अब इस पर सबसे पहले तो हर जगह ये वो लगा रहे हैं पेचकस से। और ये ऐसी मशीन है जो पेच लगा भी देती है और निकाल भी देती है। अब ये इन लोगों ने लगभग पूरा दम लगाना पड़ रहा है दोनों को। अब इसमें पेचकस लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे आंधी वांधी लगभग आती रहती है। ये करीब से देखते हैं इसको कितने बढ़िया तरीके से ये लगा रहा है, मशीन ही कमाल की है। अभी आज तक जो भी हम ये देखते हुए हैं ना, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि हमारे देश में भी इसी तरीके की मॉडर्नाइजेशन हो रखी है। ये देखो बारीक बारीक चीज़ का भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ये कुंडी लगा रहे हैं, तो कुंडी पे भी ये ध्यान देंगे कि किस तरीके से कुंडी को सेट बैठाया जाए। ये पूरा ऊपर से ले कर नीचे तक, ये देखो ये बिठा दी भाई ने कुंडी बिल्कुल सेट, थोड़ी सी रह गई है उसको भी सेट करेगा। ये ट्रांसपेरेंट फाइबर, ये ट्रांसपेरेंट फाइबर लगा रहा है ऊपर। वो देखो एक दो तीन नट भी लगा दिए हैं इसने, और अब ये इसको सेट करने लग रहा है। ये है कटर वाली मशीन जिससे ये इसको काट रहा है। इसने बड़े अच्छे तरीके से गेट लगाया है, ये काट दिया। थोड़ा और करीब से देखते हैं, ये हो गया सेट। ऊपर वाला भी देखो, पकड़ने वाला भी कुंडा, वो भी लगभग इन लोगों ने बिल्कुल सेट कर दिया है मस्त वाला। हाँ भाई, हो गई कुंडी लगभग मस्त सेट हो गई। अब ये देखते हैं किस तरीके से ये सेट करेगा। मतलब मैं बता रहा था ना, इस मशीन से ये पेच लग भी जाते हैं, पेच निकल भी जाते हैं। अब ये पेच कैसे लगाता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब ये लगा देगा इसमें सारे के सारे नट। चल भाई नवीन, जल्दी जल्दी कर दे। अब इसमें पूरे नट ये लग गए हैं लगभग। उस साइड की भी शीट लग गई, इस साइड की भी शीट लगी है, ऊपर से भी दिखाई दे रहा होगा। अब इसी मशीन से पूरे के पूरे नट लगा देगा यहाँ पे। तो ये भाई है जिसने शीट लगाई है, ये अच्छे तरीके से थोड़ा दिखा दे शीट को सही तरीके से। तो ये अपने सोनीपत से ही है, तो किसी भाई को शीट वीट लगवानी हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अपना नंबर और कांटेक्ट बता देंगे, बता दो भाई साहब। मेरा नंबर है 830-754-226। मैं उसमें भी लिख दूंगा इसको। और भाई का नाम क्या है? सोनू। सोनू है भाई का नाम। और ये शीट लगाते हैं, और क्या क्या काम करते हो भाई? शीट लगाते हैं स्टील के, जिन्ने गेट वेट ये सब स्टील का भी, और ये फाइबर शेड सूट एल्युमिनियम का तो एक घाटी है, ये काम अच्छा करते हैं भैया। तो ये काम है किसी को करवाना हो स्पेशली सोनीपत में, तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर मैं वैसे लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है? ओके। अभी आ गए भाई दूसरे गेट की तरफ। ये है शीट जिसके ऊपर ये वाइट कलर का ये लगा हुआ है। ये है स्टिकर, इसको ये उतारेगा। ये लगा दिया इसने अपना ग्रिडनर का प्लग, और अभी इसे काटना स्टार्ट करेगा। ये दूसरा वाला गेट भी देखते हैं, क्योंकि उस वाले गेट में थोड़ा डिज़ाइन अलग था, इस वाले गेट में डिज़ाइन अलग है। अभी किस तरीके से इसे चेंजेस करते हैं।
अब यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा माप लेके इंची टेप से अच्छे तरीके से इसे काट लेगा, और काटने के बाद फिर एक दो और तीन चार, चार शीट बनाएगा ये, और चार शीट बना के उस पर लगाएगा। तो ये अब ग्राइंडर से इसको काटने लग रहा है, चलो देखते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले जो पुराना टाइम होता था आज से 9 साल पहले 10 साल पहले, पहले दूसरे तरीके से काटते थे इनको, वो एक मतलब पेपर कटर टाइप लेके उससे काटते थे और फिर उसके बाद उसको लगाते थे, तो उसमें कभी कभी हिसाब किताब बिगड़ जाता था, स्पीड भी कम रहती थी। पर आजकल ये बिल्कुल नए तरीके के टूल्स की हेल्प लेके नए तरीके से काम करते हैं। ये गेट है, और वापस शीट की तरफ चलते हैं। अभी इसने शीट पे लगभग कटिंग कर ली है एक साइड की, वहाँ पे वो दूसरा भाई मतलब देख रहा है अच्छे तरीके से कि और क्या क्या मतलब कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी। तो भाई मैं भी बात कर लेता हूँ उससे, यहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं। तो ये देख रहे होंगे 2 शीट इसने काट दी है। ये कट गई शीट, अभी इसने भाई ने पन्नी उतार दी। अब यहाँ पे देखो, ये गेट के पास देखो आप कि कितना गैप है गेट के साइड साइड में, और वो जो दूसरा गेट था, जो पहला गेट था, उसमें थोड़ा कम गैप था। तो ये दोनों गेट इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा गैप होने के बावजूद भी मतलब शीट्स लगने के बाद कितने अच्छे गेट बन जाते हैं। तो ये एक साइड की शीट इसने निकाल दी, ये उतर गई पन्नी, रख दी साइड में। अब ये हो गई रेडी, अब ये इस शीट को उठाएगा और इस शीट को काटना स्टार्ट करेगा। पर उससे पहले दूसरी शीट का भी इसने ये उतार रहा है पन्नी, ये इसको भी उतार देगा क्योंकि पन्नी गंदी लगती है। तो यही मैं कह रहा था, वहाँ पे देखो गेट की तरफ कितना कितना सारा गैप है उसमें, वो पूरा का पूरा गैप कवर हो जाएगा इससे शीट से। अब ये ले रहा है शीट का माप, जो ये पहले वाली शीट जो मतलब काटी है उसमें से एक शीट को लेके अब ये ले रहा है शीट का माप, और यहाँ पे माप लेके साइड साइड से जो एजेस निकल रहे हैं जहाँ नवीन का हाथ है वहाँ से भी इसको काट लेगा। अभी एक ने तो शीट को पकड़ लिया, अब ये लिया है ग्राइंडर, अब इससे इसको काट देगा बिल्कुल सलीके से। मतलब आसान काम नहीं है, गेट्स लगते हैं कि कितने अच्छे तरीके से फाइबर लग गई, कितने अच्छे तरीके से उस पर मतलब सामान लग गया, पर इतना इजी नहीं होता, बहुत मेहनत का काम है। पर हाँ ये है कि जो नए टूल्स हैं उनकी हेल्प से काम बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ही सटीक तरीके से हो जाता है, जिस काम को करने के लिए पहले मतलब लोग भी ज़्यादा लगते थे और टाइम तो लगता ही था। अब देखो ये 2 बंदे हैं, टोपी वाले भाई ने इसको पकड़ रखा है सोनू ने, और नवीन यहाँ पे मतलब अपनी बिट वाली मशीन से इसमें पेच लगाया जा रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब ये ग्राइंडर से इसे काट रहा है साइड साइड में कि अच्छे तरीके से कट जाए। दूसरा भाई भी लग गया इसमें बिट लगाने के लिए। अब देखो टूल से कितनी जल्दी काम हो रहा है, मतलब एक इसको काट भी रहा है ग्राइंडर से और एक इसमें बिट भी लगा रहा है, मतलब दोनों के दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। अब इसे नीचे से काट दिया सोनू ने, ये अलग पट्टी निकल गई, अब ऊपर से भी काट देगा वो, वहाँ पे नवीन चेयर पे खड़ा होकर आराम से इस पर बिट लगा रहा है। मतलब पहले जैसे बहुत टाइम लग जाता था इन काम होने में ना, शीट लाओ फिर उसको मेजरमेंट लेके वैसे मतलब कटर से काटो, चाकू की तरह जो कटर होता था, जैसे पेपर कटर होता है उसकी तरह काटो, पर आजकल मशीनें हैं सब कुछ है, उन्हीं से सारे काम हो जाते हैं। देखो ये ऊपर वाला भी इसने काट दिया कितनी जल्दी से, और बिल्कुल सेम वैसा का वैसा उसी डिज़ाइन में कट गया, ये बढ़िया तरीके से ये निकाल दिया काट के भाई ने। बाहर से देखो कितना अच्छा लग रहा है, अंदर से तो लग ही रहा है अच्छा, बाहर से ऐसा वैसे ट्रांसपेरेंट शीट है पर दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, मजबूत शीट है। ये दूसरे वाला गेट है, है ना मस्त गेट ये भी, थम्स अप। चलो चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो ये आ गए हम दूसरे वाले गेट की तरफ, अब बाहर से देखते हैं दूसरी तरफ भी शीट लगाने लग रहे हैं, एक साइड तो लग गई। चलो ये अंदर से अब
सीन। ये देखो कितनी बड़ी है साइड साइड में, अब इसको भी मस्त तरीके से काट लेगा। पहले तो इसे स्टेबल करेगा, इस पर अपनी बिट लगाएगा और फिर उसके बाद इसे काटना स्टार्ट करेगा। ये देखो जो ये लंबी शीट लगाई है, इस पर जो ये मतलब क्या कहते हैं उसको, बंद करने वाला जो है ना, उसको भी वो काट रहा है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे एक और ही इसने लगा दिया नट, लगा नहीं क्योंकि ये भाई बहुत मोटी है, 15.7 mm के करीब का मतलब ये स्टील है इस गेट का, तो कितना मोटा है। अब ये कड़ी के पास से इसने ग्राइंडर से साफ़ कर दी। ये देखो कितना बारीकी से कुंडे की जगह भी बन गई यहाँ पे। अब ये और बना रहा है इसमें जगह ताकि वो जो कुंडी है अच्छे तरीके से बंद हो जाए, और जस्ट सेकंड भी नहीं लगे, ये घुमा के देख रहा है आसानी से। यहाँ पे ये दो भागों शीट को काटती है, उठाई शीट। अब ये इसको डालने की कोशिश करेगा। ये देखो लगभग काट ही दिया, ऊपर से भी सेट हो गया मामला। यहाँ देखो आप इसके नीचे ना, जहाँ ये गेट पे तो लगा ही रहा है, इसके साइड में देखना, ये भी दिखाता कितनी जगह खाली है। ये भी देखो हुक कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई। अब देखते हैं ये भाई ने ना बीच में भी शीट लगा दी है, मतलब जो ज़्यादा एरिया बचा हुआ था। अब देखो आप साइड साइड में दोनों साइड कितनी अच्छी लग रही है पाइप। अब यहाँ पे ये बिट भी लगा देगा, मतलब नट लगा देगा बीच में। ये मशीन ऐसी है कि इससे नट लग भी जाता है, नट खुल भी जाता है। अब ये साइड साइड से जो भी किनारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको भी काट देगा। ये देखो ये लगा दिए इसमें सारे के सारे नट, और मस्त सेट हो गई एक नंबर की शीट। मतलब काम बढ़िया करते हैं, और सबसे बड़ी बात है इनके पास टूल्स भी सारे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है आजकल लगभग हर दिन रियल। तो लो जी भाई ने साइड में भी काट के लगा दी शीट, और ये लगभग अब गेट ये वाला भी तैयार हो गया। और ये जो स्टिकर सा लगा हुआ है इसे भी उतार देगा, अभी ये उतार दिया। तो ये इन्होंने फाइनल टच भी दे दिया, और ये बीच में जो थोड़ी थोड़ी जाल बची हुई है यहाँ पे ग्रे कलर की शीट लगेगी। उस दिन लगनी नहीं थी तो उस दिन उसकी वीडियो नहीं बन पाई। तो ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया गेट, दोनों के दोनों गेट कंप्लीट हो गए। तो कैसा लगा आप लोगों को, होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर ज़रूर करना कि आजकल इंडिया में भी मॉडर्न टूल्स के साथ काम होते हैं। और सोनू और नवीन का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, तो उनसे कॉन्टैक्ट भी कर लेना है, केवल सोनीपत ही नहीं, सोनीपत से बाहर भी काम करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।